लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत रोडवेज की बड़ी है आमदनी। यात्री भार के हिसाब से रोडवेज नई गाड़ियों का कर रहा है संचालन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर अनलॉक प्रक्रिया के तहत अब यात्रियों की चहल पहल नजर आने लगी है। राजस्थान पथ परिवहन निगम पूरे प्रदेश में 70% बसों का संचालन शुरू कर चुका है। केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज अधिकारी रोमेश यादव ने बताया कि सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ लोगों को बसों में यात्रा कराई जा रही है। बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ यात्रियों को मास्क लगाने के बाद ही बस में प्रवेश दिया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन्हें मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। यादव के मुताबिक जैसे जैसे यात्री भार की आवश्यकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोडवेज नई बसों का संचालन भी करता जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी रोडवेज वाहन प्रदेश में आ रहे हैं। रोडवेज के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई जा रही है जिससे यात्रियों का विश्वास भी रोडवेज के प्रति बढ़ा है। अभी अभी क्या स्थिति है रोडवेज की, पहले क्या स्थिति होगी तो और आज क्या स्थिति है? लॉकडाउन से पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। पहले के प्रतिशत में और आज के प्रतिशत में 30-40% की यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और रोडवेज इसके लिए पूरे कारगर तरीके से अपने आप काम अपना रही है। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, जिसको देखते हुए यात्रियों को रुझान आने लगा है कि भाई वाकई में रोडवेज के अंदर सुरक्षित एवं यात्रा करने के अंदर हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। इस कारण से यात्रियों का रुझान हमारी रोडवेज की तरफ वापस अग्रसर हो गया। बिना मास्क भी घूमते तो उनको इनको बिल्कुल समझाया जाता है, इनको बिना मास्क के हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती किसी को भी। अगर फिर भी कोई यात्री बिना मास्क के अगर यहाँ बस स्टैंड परिसर में पाया जाता है तो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इनको मास्क पे लगाएं, क्योंकि मास्क ही अभी वैक्सीन है और मास्क ही अभी इलाज है। तो पहले में बढ़ोतरी हुई है, मतलब कुल मिलाकर पहले से और अब में यात्रियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। गाड़ियाँ भी बढ़ी है वैसे, गाड़ियाँ भी बढ़ाई गई है। जैसे जैसे यात्रियों की डिमांड आती है उस हिसाब से यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वाहन बढ़ाई जाती है। सोच करना है। मेरा नाम रोमेश यादव। अभी अब तक कितनी गाड़ियाँ बढ़ चुकी है, कितने 70% हमारी गाड़ियाँ चालू हो चुकी हैं हमारी, और अन्य राज्यों से भी हमारे पास में गाड़ियाँ आ रही हैं। उत्तराखंड से है, यूपी रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, पंजाब रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, हरियाणा रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, गुजरात रोडवेज की गाड़ियाँ हैं। तो ये भी हमारा एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है कि वाकई में राजस्थान रोडवेज जो है सुरक्षित यात्रा के देखते हुए ही यात्रा को यात्री कराएगी। यात्री बार बढ़ा कुल मिला के? यात्री बार बढ़ा है।